हेलो एंड वेलकम टू टेक तड़का। मैं हूं आपके साथ अभय शुक्ला। आज मैं रिव्यू कर रहा हूं Realme के Pad X का। ये Realme का लेटेस्ट 5G टैबलेट है जो कि प्रीमियम लुक्स के साथ फीचर लोडेड लग रहा है। क्या ये सिर्फ मल्टीमीडिया कंजम्पशन के लिए है या आपकी बाकी सारी नीड्स को भी कैटर कर सकता है, जानते हैं आगे। लेकिन उससे पहले नीचे दिख रहे सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए। Realme Pad X देखने में जितना ज़्यादा प्रीमियम लगता है उतनी ही सॉलिड है इसकी इनहैंड फील। रियर साइड में मैट फिनिश दी गई है और ये बहुत ही क्लासी टाइप फील देती है। साइड्स फ्लैट हैं जिससे टैप की ग्रिप बहुत ही अच्छी हो जाती है। इसका वेट 499 ग्राम्स है एंड थिकनेस जस्ट 7.1 mm है। टैबलेट बहुत ही स्लीक एंड लाइट वेट है, तो इसे हाथों में उठाकर वीडियोज़ देखने में या सोशल मीडिया स्क्रोल करने में कोई परेशानी नहीं होती है। नाउ वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू मैंशन हियर इज़ यहाँ पर क्वाड स्पीकर्स दिए गए हैं जो हाई रेज ऑडियो और डॉल्बी एटमोस को सपोर्ट करते हैं। Pad X में हाइब्रिड सिम स्लॉट, टाइप सी पोर्ट, ऊपर एक पावर बटन एंड रियर साइड में कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। इसके अलावा पैड के अराउंड स्लिम यूनिफॉर्म बेजल्स मिलते हैं। अगर बेजल्स थोड़े और स्लीक होते तो और ज़्यादा प्रीमियम फील आ जाता। Realme Pad X में 10.95 इंचेस का WUXGA+2K डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले अच्छी है एंड इसके व्यूइंग एंगल्स भी मुझे ठीक लगे। डोंट एक्सपेक्ट एमोलेड टाइप क्लैरिटी, बट एक बजट टैबलेट के हिसाब से ये बहुत ही अच्छी डिस्प्ले है। इसमें वाइड वाइन L1 सपोर्ट मिसिंग है, तो नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर फुल HD स्ट्रीमिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन डिस्प्ले TUV रिन लेंस सर्टिफाइड है जो आइज को हार्मफुल ब्लू लाइट से बचाती है। इसके अलावा इसमें O1 अल्ट्रा विजन इंजन भी दिया गया है जो वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस को थोड़ा सा और इन्हेंस कर देता है। साथ ही इसके क्वाड स्पीकर्स एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। स्पीकर्स का साउंड लाउड होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा क्लियर भी है और इस बजट रेंज में ऐसा साउंड एक्सपीरियंस मिलना काफ़ी मुश्किल है। Realme Pad X में Snapdragon 695 5G प्रोसेसर दिया गया है। ये 4GB रैम और 6GB रैम ऑप्शंस के साथ आता है एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। हमारे पास इसका 6GB रैम वेरिएंट है जिसे डेली यूज़ करते हुए मुझे किसी भी टाइप का कोई इशू नहीं हुआ। जहां तक गेमिंग की बात है तो Pad X में COD को हाई ग्राफिक क्वालिटी और मैक्स फ्रेम रेट पर खेल सकते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें तो Pad X रन्स ऑन Realme UI 3.0 बेस्ड ऑन Android 12 एंड द गुड थिंग हियर इज इसमें कोई ब्लॉटवेयर देखने को नहीं मिलता है। Realme Pad X में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए स्प्लिट स्क्रीन, स्मार्ट साइड बार और फ्लोटिंग विंडो जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इन सभी फीचर्स से बड़ी स्क्रीन में मल्टीटास्किंग करना आसान हो जाता है। इसके अलावा Pad X में मल्टी स्क्रीन कोलैबोरेशन फीचर भी दिया गया है। इससे मोबाइल फ़ोन को टैब में कास्ट कर सकते हैं या फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन ये फीचर अभी Realme की GT सीरीज में ही अवेलेबल है। हो सकता है फ्यूचर अपडेट्स में इसे और डिवाइसेस में शामिल कर दिया जाए। इसके अलावा Realme Pad X Realme Pencil और स्मार्ट कीबोर्ड के साथ भी कंपेटिबल है, जिसे आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। Realme Pad X के रियर साइड में 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है। इसे डिसेंट पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। पिक्चर्स को जूम करने के बाद ये थोड़ी पिक्सलेट होती हैं, बट बजट टैबलेट से हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कलर्स थोड़े फेडेड लगते हैं और लो लाइट में ग्रेन्स भी दिख जाते हैं, बट फिर भी टैबलेट के हिसाब से मुझे इसकी क्वालिटी ठीक लगी। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस दिया गया है जो कि 105 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू ऑफर करता है। द गुड थिंग हियर इज कैमरा को हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में प्लेस किया गया है जिससे वीडियोस चैट में लार्जर स्क्रीन एरिया मिल जाता है। फ्रंट कैमरा की क्वालिटी अच्छी है एंड ये लाइमलाइट फीचर को भी सपोर्ट करता है जो हमेशा सब्जेक्ट को सेंटर फ्रेम में रखता है और ये मूवमेंट को भी ट्रैक कर सकता है। Realme Pad X में 8340 mAh की बैटरी दी गई है। कंटेंट कंजप्शन एंड गेमिंग जैसे हैवी टास्क के बाद भी ये बैटरी 2 दिन तक ईजिली चल जाती है। Pad X में 33W की डार्ट चार्जिंग भी दी गई है जिससे ये टैबलेट लगभग 120 मिनट में फुली चार्ज हो जाता है। इसके अलावा ये टैबलेट रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। इसका मतलब आप इसे पावर बैंक जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। Realme Pad X का स्टार्टिंग प्राइस 19,999 रुपये है, लेकिन अगर आप 5G वेरिएंट लें जिसमें ज़्यादा रैम और ज़्यादा स्टोरेज मिलती है तो ये प्राइस 27,999 रुपये तक जाता है। इसमें आपको एक क्वालिटी 2K डिस्प्ले, बढ़िया डॉल्बी क्वाड स्पीकर्स और सॉलिड बैटरी लाइफ मिलती है। अगर आप अच्छे फीचर्स के साथ एक टैबलेट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं Realme Pad X को स्ट्रांगली रिकमेंड कर सकता हूँ।